जो मुख्यमंत्री आया उसी ढर्रे पे काम करता रहा, चाहे तो को नौकरी चाहे तो को काम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस दिन से मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली, हरियाणा की राजनीति में आए, चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिसको प्रदेश की जनता तो चाह रही है, खुश है, लेकिन उसके रिश्तेदार नाराज हैं। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपील है, दीपेंद्र हुड्डा से अपील है, ऑनलाइन एयर टिकट करवाना बंद करें, ऑनलाइन रेल की टिकट करवाना बंद करें, ऑनलाइन बिजली का बिल भरना बंद करें, लाइन में लग के करें, सबसे पहले अपने घर से लागू करें, फिर पोर्टल फाड़ के फेंकना। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिसने जात जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रदेश में काम किया। आपने कभी नहीं सुना होगा हरियाणा जैसे प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो कि एक छत के नीचे 500 से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है वो जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मनोहर लाल जी के पक्ष में है, कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में 8,65,000 BPL कार्ड होते थे, आज उनकी संख्या 40 लाख हो गई है। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ दे, ये मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी उनसे अपील है कि सारे मुद्दे विधानसभा में लेके आए ना, चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री, हमारी पूरी कैबिनेट तैयार है। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं व्यवस्था बना के गांव गांव जाऊंगा, जन संवाद के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से मिलूंगा, राय शुमारी करूंगा। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और आज मैं चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया जी। कटारिया जी मेरे साथ हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सत्यदेव जी, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है आपको, एक अच्छी कुर्सी मिली है। थैंक यू जी। पर कुर्सी से मुझे याद आया, अभी पहले मैं रिजवान को कहूंगा उधर दिखाओ कुर्सी, के लिए लोग मरे जाते हैं, उधर कुर्सी दिखाओ रिजवान, ये कुर्सी हमेशा ही खाली रहती है और आप दाएं बाएं बैठे हुए मिलते हैं, मतलब लोगों के बीच में रहते हैं, कुर्सी किस लिए दी थी आपको? देखिए सत्यदेव जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल का, आपका, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा के पत्रकारों में जानी मानी आपकी गिनती होती है और मेरा पत्रकारों से वास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे इसी प्रकार की जिम्मेदारी दी, मीडिया की जिम्मेदारी में सारी मीडिया का कार्यभार मेरे पे है, तो मेरा दायित्व बनता है, वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम वरिष्ठ पत्रकार और मेरे प्रियजन अगर हमारे पास आए तो उनके पास बैठ के बात करें, दूरी हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुर्सी से लोभ नहीं है मुझे, मैं काम करने के लिए आया हूँ, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से, आप जैसे लोगों के काम से और सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे दायित्व दिया, तो आप लोगों के सहारे, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा। वैसे तो आप मनोहर सरकार को सदाई नज़दीक से देखते हैं, पर अब और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, कुछ खास लगता है आपको? 1966 में हरियाणा बना सत्यदेव जी, 1966 में हरियाणा बनने के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए, जिसमें मैं बात करूं चौधरी देवीलाल जी, बंसीलाल जी, भजन लाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लेकिन जो मुख्यमंत्री आया उसी ढर्रे पे काम करता रहा, चाहे तो को नौकरी चाहे तो को काम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस दिन से मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली, हरियाणा की राजनीति में आए, चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। सबसे पहले तो जो प्रथा हरियाणा में चली आ रही थी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, इनको धराशाही करने का काम किया। उन्होंने कहा मैं उस ढर्रे पर नहीं चलूंगा, चाहे तो वो नौकरी चाहे तो वो काम नहीं है। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिसको प्रदेश की जनता तो चाह रही है, खुश है, लेकिन उसके रिश्तेदार नाराज हैं। वो कहते हैं कि हमारे तो मुख्यमंत्री सुनता नहीं, हमारे बच्चे नौकरी की नहीं लग पाते, हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिसने जात जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रदेश में काम किया। उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जहां सर्वाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी, वहां व्यवस्था परिवर्तन करके योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में की विकसित देशों की तर्ज पे, आपने कभी नहीं सुना होगा हरियाणा जैसे प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो कि एक छत के नीचे 500 से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले। अगर ये सक्षम हुआ है, अगर ये कहीं ना कहीं इसकी अचीवमेंट हुई है, तो इसका मैं पूरा श्रेय मनोहर लाल जी को देता हूँ। एक ऐसे ऊर्जावान, एक ऐसे संत, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा में किए, ऐतिहासिक चूल अचूल परिवर्तन किए। आप कहते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री तो विपक्ष भी मानता है, पर विपक्ष साथ के साथ एक आरोप लगाता है कि अधिकारियों पर पकड़नी है भाई, अधिकारी सिर पे बैठ गए।
देखिए विपक्ष का काम तो बोलना है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, तो प्रदेश की जनता तय करती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है, वो जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मनोहर लाल जी के पक्ष में है। मनोहर लाल जी का लोहा पूरे प्रदेश की जनता इसलिए मानती है, वो तो ये भी कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है, हमें खुशी है हम पोर्टल की सरकार है। यही इसी पोर्टल का जादू है, इसी पोर्टल का कमाल है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में 8,65,000 बीपीएल कार्ड होते थे, आज उनकी संख्या 40 लाख हो गई है। इसका मतलब 32 लाख लोग वंचित थे सरकार की सुविधाओं से। वो तो कहते हैं लाखों काट दिए। देखो कटे भी हैं लेकिन 40 लाख बने भी हैं। किसी व्यक्ति का अगर गलत तरीके से बना हुआ था, उनके कार्यकाल में किस प्रकार से धांधली होती थी, पंचायत सेक्रेटरी पटवारी सरपंच मिलकर तफ्तीश किया करते थे। आज तफ्तीश है कोई? आज वेरिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोर्टल के माध्यम से जिसकी आय 1,80,000 से कम है बीपीएल कार्ड घर बन के आ जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में कि कभी सोचा भी नहीं था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पोर्टल का विरोध करते हैं कि मेरी सरकार आए तो पोर्टल फाड़ के फेंक दूंगा। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपील है, दीपेंद्र हुड्डा से अपील है, ऑनलाइन एयर टिकट करवाना बंद करें, ऑनलाइन रेल की टिकट करवाना बंद करें, ऑनलाइन बिजली का बिल भरना बंद करें, लाइन में लग के करें, सबसे पहले अपने घर से लागू करें फिर पोर्टल फाड़ के फेंकना। अभी मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है लड़कियों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, कि 1,80,000 के दायरे में जो परिवार आते हैं उनके बच्चों को प्राइवेट में भी प्राइवेट कॉलेज भी फ्री पढ़ाएंगे। क्या व्यवस्था है ये? आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ दे, ये मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। आज ऐसी लाखों लड़कियों को उड़ान भरने का मौका मिला, जो लाखों बच्चियां पैसे के अभाव में, फीस के अभाव में पढ़ नहीं पाती थी, अपना भविष्य तय नहीं कर पाती थी, ऐसी लाखों बच्चियों का भविष्य को स्वर्णिम बनाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। ऐसी सोच मैं कहता हूँ किसी मुख्यमंत्री की हुई ही नहीं। लाखों लड़कियां जो पैसे के अभाव में वंचित रह जाती थी पढ़ाई से, ऐसी लाखों बच्चियों को उड़ान भरने का मौका मिला, मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, ऐसी सोच रखने वाला मुख्यमंत्री, खास तौर पर गरीब व्यक्तियों के लिए, कभी हरियाणा प्रदेश में तो मुझे लगता नहीं कोई होगा और इससे पहले आया हो। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री घोषणा तो कर देते हैं कि बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, फीस हम देंगे उनकी, यही होगा ना तरीका, तो यही रहेगा। पर वो कहते हैं कि वो 132 शुरू किया था शायद स्कूलों के लिए, कह रहे हैं वो फेल हो गया। बिल्कुल फेल नहीं है, उनके समझने में अंतर है, उनके कहने में अंतर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, झूठे आरोप, कोई तथ्यात्मक चीजें बताए। हमने कहा भी विधानसभा चलने वाली है, विधानसभा मुद्दे उठाने के लिए होते हैं, अगर कोई तथ्यात्मक मुद्दे तो उठाइए ना, विपक्ष भागता नजर आएगा आपको, आप देखना वॉकआउट कर जाएंगे, हाहुल्लड़ करेंगे। विधानसभा होती है प्रदेश की जनता के हकूक हकूक की आवाज उठाएं। मेरी उनसे अपील है कि सारे मुद्दे विधानसभा में लेके आए ना चर्चा करने के लिए। मुख्यमंत्री, हमारी पूरी कैबिनेट तैयार है, हमारा पूरा पक्ष तैयार है, हमारा पूरा रोड मैप तैयार है, आप चर्चा कीजिए, प्रदेश के हकूक हकूक की लड़ाई लड़े। 9 साल हो गए हैं सरकार के, कुछ बड़े काम वैसे तो आप अभी आप गिनवा रहे थे, लेकिन इंफ्रा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, कुछ ऐसे बड़े माइलस्टोन आपको लगते हैं जो मनोहर सरकार ने तय किए? सबसे पहले तो रोडों का जाल आप हरियाणा प्रदेश में देखिए, मैं गिनवा भी नहीं सकता इतने रोड हरियाणा प्रदेश में बने। आप जींद में देखिए, आप जींद से रहने वाले हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का जाल जींद में बसा बिछा है। उदाहरण के तौर पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपको देखने को मिलता है 152D KMP, ये सब हमारी देन है। एजुकेशन के मामले में कितनी बड़ी पहल मुख्यमंत्री जी ने की, वंचित बच्चियों को सरकारी में नहीं प्राइवेट स्कूल में भी उनका वहन सरकार करेगी, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। स्कूलों की संख्या हमने बढ़ाई, अध्यापकों को किस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमने बनाई। पहले अध्यापक दर बदर की ठोकर खाता था, मिनिस्टरों के चक्कर लगाता रहता था, आज कोई अध्यापक किसी मिनिस्टर और विधायक के नहीं मिलेगा आपको, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई है। आज अध्यापक बच्चों को सही मायने में पढ़ाने का काम कर रहा है। हमने हर क्षेत्र में काम किया। किसानों की बात करें, 14 फसल MSP पर खरीदने वाला प्रदेश का पहला, देश का पहला राज्य है। गन्ने का सबसे ज़्यादा भाव यहाँ है। बाजरे की खरीद MSP पर हरियाणा प्रदेश में होती है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती है, जबकि बाजरा राजस्थान में ज़्यादा होता है, वहाँ नहीं होती है। कितने ऐतिहासिक काम, कितने चूल अचूल परिवर्तन गिनवाऊं मैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है और प्रदेश की जनता खुश है। लाल हालियत है, कब चुनाव हो और कब फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस तो खुश हो रही है कि हम आ रहे हैं भाई अब तो। वो तो कहते हैं नाई के मेरे बाल कोड़ कोड़, थोड़े दिन रुझे तेरे सामने आ जाएंगे। लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ा है, जनमत हमारे पक्ष में है, मनोहर लाल जी के पक्ष में है। मैं बता रहा हूँ कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो चौधरी देवीलाल जी को माना जाता है जननेता। उन्होंने कहा भाई आम जन से मिलने का काम उन्होंने किया, लेकिन उनसे 4 कदम आगे मनोहर लाल जी निकल गए।
उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं व्यवस्था बना के गांव गांव जाऊंगा, जन संवाद के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से मिलूंगा, राय शुमारी करूंगा, सीख भी लूंगा, सुझाव भी लूंगा। प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जो गांव गांव में जाकर सुझाव भी ले रहे हैं, अच्छाई भी पूछ रहे हैं, सुझाव भी पूछ रहे हैं। प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जो गांव गांव जाकर जनसंवाद के माध्यम से हर आदमी की बात सुन रहा है। इसका नतीजा आपको देखने को मिले, 10 की 10 लोकसभा और विधानसभा में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मतलब अगर हम हरियाणा की बात करें, अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हो गए, आगे भी कुछ, क्योंकि आप तो सीएम के सबसे करीबी माने जाते हैं, कुछ है ऐसी प्लानिंग जो नया कुछ होने वाला हरियाणा में? मैंने कहा जनसंवाद के माध्यम से सुझाव लेते हैं हम, जनता का सुझाव हमारे सर्वोपरि है। क्या निकल के आया, क्या क्या जरूरतें हैं? सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की जनसंवाद में जो निकल के आया, उन्होंने कहा योग्यता के आधार पर नौकरी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर गरीब आदमी, हर गरीब युवा, हर गरीब का बच्चा, हर गरीब व्यक्ति आत्मीयता से धन्यवाद कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री का। और ऐसे चूल अचूल परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहेंगे, जैसे जैसा सुझाव आता रहेगा वैसा वैसा सुझाव उसको अमलीजामा पहनाने का काम करते रहेंगे। सुदेश कटारिया जी मेरे साथ थे, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को लेकर के ये कहते हैं कि जो काम उन्होंने किए आज तक नहीं किए। खैर, आप हरियाणा से हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है सुदेश कटारिया जी के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से रिजवान के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।